नमस्कार, मैं हूं कनुप्रिया सत्तन और आप देख रहे हैं लाइव टीवी समाचार। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर। बाराबंकी हर पल नाम सुमरन व भक्ति करना ही जीवन का मुख्य उद्देश्य होना चाहिए। सांसारिक कार्य करने के बाद पश्चाताप हो सकता है, परंतु श्री राम की भक्ति साधना ध्यान परोपकार के पश्चात पश्चाताप का कोई स्थान नहीं, वरन आनंद ही आनंद है। आत्मसंतोष की अनुभूति श्री राम कथा के श्रवण से प्राप्त होती है। उक्त उद्धार हनुमानगढ़ी अयोध्या के प्रसिद्ध भक्त बाबा मामा दास जी ने यहाँ गंगा दशहरा के अवसर पर आयोजित 9 दिवसीय श्री राम यज्ञ के भंडारे के दौरान प्रकट किए। भक्ति में अध्यात्म भक्ति रस के वातावरण में श्री मामा दास जी ने कहा कि अमृत से मीठा अगर कुछ है तो वो श्री राम का नाम है। सत्यता के मार्ग पर चलकर परमात्मा प्राप्त होते हैं। मन बुद्धि इंद्रियों की वासना को यदि समाप्त करना चाहते हो तो हृदय में श्री राम की भक्ति की ज्योति को जलाना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि समस्त संसार राम में है, राम ही हमारे जीवन का आधार है, राम के बिना जीवन का कोई अर्थ नहीं। इस दौरान श्री राम के भक्ति में भजनों की प्रस्तुति से पंडाल में उपस्थित भक्तगण झूम उठे और दोनों हाथ ऊपर उठाकर श्री राम भजनों पर झूमते हुए कथा और भजनों का आनंद लिया। आगे उन्होंने कहा कि श्री राम कथा महान ज्ञान यज्ञ है, ये मानवीय जीवन को भक्ति में बना देता है। भगवान श्री राम की अद्भुत लीलाओं का वर्णन इसमें समाहित है। भवसागर से पार पाने के लिए श्री राम कथा एक सुंदर महासेतु है। इस कथा को सुनने से जीवन धन्य धन्य हो जाता है, इसलिए अधिक से अधिक श्री राम कथा का श्रवण निरंतर करते रहना चाहिए। जितनी अधिक कथा सुनेंगे उतनी ही जीवन सुधरेगा और परम उद्धार होगा। इस अवसर पर उनके साथ हनुमानगढ़ी अयोध्या के अनेक भक्त मौजूद रहे। रमाकांत पंत। अभी के लिए बस इतना ही, बाकी खबरों का सिलसिला लगातार रहेगा जारी। अगर आप रहना चाहते हैं हर वक्त अपडेटेड, देखते रहिए लाइव टीवी समाचार।